दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, मौजज़ा हो उसने सौत का, जमजमाए सदा तेरा, मौजज़ा हो उसने सौत का, जमजमाए सदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से जान तेरी सर बसर जमाल, दिल तेरा आ जायका और बस जायका तेरी नहीं एक जैसा हो जाए। कपड़े नए और पुराने तेरे लिए एक जैसे हो जाएं। और जरूरत तुझे झुकाए ना, क्यों कहा गया कि अगर मुझे एक तस्मे की भी जरूरत है तो मैं किससे मांगू, है ना कॉल? तो कहने लगे जब तक इस मकाम का तवक्कुल पैदा नहीं होता, जब तक तुझे अपने रब पे भरोसा नहीं हुआ। बोले ये तवक्कुल का एक मियार है जो कायम किया गया। ऐसी नहीं कहा गया कि अगर मुझे एक तस्मे की भी ज़रूरत है तो मुझे अपने रब से मांगू। बोला रब का मामला और तेरा मामला गोया ऐसा हो जाए जैसे कि एक खादिम और एक मखदूम का होता है, कि खादिम अपने मखदूम से हर चीज़ मांगता है और उसकी रजा पे रहता है, वो जो कुछ दे दे बस वो उसके लिए, उस पर वो तदबीरें नहीं करता, ख्वाहिश नहीं करता। बोले जब तक तुम्हें ये सब कुछ नहीं आएगा ना, जब तक अतात नहीं आएगी, और जो तुम अतात करते हो कि तुम्हें खाना अपनी मर्जी का चाहिए, तुम्हें कपड़ा अपनी मर्जी का चाहिए, तुम्हें नींद अपनी मर्जी की चाहिए, तुम्हें सोना अपनी मर्जी का, उठना अपनी मर्जी का, इबादत अपनी मर्जी की, तो जब तक इसका मतलब है कि तुम अपने नफ्स की और अपने ख्वाहिश की पैरवी में हो, अभी तुम गुलाम नहीं हुए, तुम आका ही हो, और दो आका एक साथ नहीं चल सकते। अतात का मियार ये होना चाहिए। कोई शख्स मियाँ साहब से कहता था, मियाँ मुझे कुछ रास्ता बताएं, कुछ सलूक का कोई हिदायत दें। कहने लगे अच्छा करते हैं तेरे लिए कुछ हिदायत देते, कुछ नसीहत करेंगे, ठीक है करेंगे। तो उसकी चाय में चीनी ज़्यादा डलवा दी या नमक ज़्यादा डलवा दिया, अब वो थूक रहा है, अरे मियाँ बोलो कड़वी हो गई चाय तो। कहने लगे क्या है ये, एक मामूली चीज़ है, नमक अगर ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ, तो उससे नमक बर्दाश्त नहीं होगा, रवानियत कैसे बर्दाश्त करेगा। पता नहीं क्या करेगा तू तो खल्क के साथ।
एक बार मियाँ साहब कप रोटी खाते थे पानी के साथ ना, नमक के सामने नहीं खाते थे, बिल्कुल पोशीदा रखते थे सब बातों को। हाँ ये बात थी उनकी, किसी को नहीं पता मियाँ साहब की खुराक क्या है। तो नहीं पाजी मंजिल साहब के एक दिन उनका पानी बनाते थे, तो हमारी जो इरफान मियाँ की बड़ी जो जोजा थी उन्होंने बना दिया, प्याला रख दिया। आई समझ बात, अब वो छोटी रोटी डाल रही थी तो इतनी बड़ी टिकिया बनाती थी कोई। अच्छा वो खाते उन्नीस यहाँ होते तो उन्हीं वो ही पका के देती थी उनको। वो मुरीद भी थी उनकी और बेटी भी बनी हुई थी उनकी, तो उन्होंने बनाया और उन्होंने नमक उठा के पानी में मिला दिया, डबल हो गया नमक। अब ला के दिया उन्होंने, आराम से खाया अपने, कुछ नहीं खाते रहे। अब बोल देंगे उठा के, अच्छा ये लोग पानी वो फेंकते नहीं थे, सब आपस में बैठ के पी लेते थे। अब जो उन्होंने एक घूंट मारा तो तुम 14 तमक रोशन कर दिए उन्होंने तुमने। अरे कहने लगे ये तो कड़वा हो रहा है, बहुत नमक तेज़ हो गया। तो बड़ी वाली से ने छोटी वाली से कहा कि क्या तुमने नमक डाला था इसमें? उन्होंने कहा हाँ, और मैंने भी डाला था। अब कहने मियाँ साहब तो गुस्सा होंगे, खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दूसरे दिन वो कहने मियाँ फीका तो नहीं है? कहने लगे क्या? कहने लगे ये पानी आपका ना? नहीं तो उन्होंने कल तेज़ हो गया था ना? उन्होंने कहा नहीं। ऐसे खाते हुए भी उनकी पेशानी पे भी ऐसी बात महसूस नहीं हुई कि उनका नमक तेज है। वो बस कहते थे जो कुछ मेरे सामने आया है ये उसकी मर्जी से आया है। मेरी अपनी इसमें कोई सही नहीं है कि मेरे सामने लाया जाए। अब जो उसकी मर्जी से आ गया तो बस ठीक है, इस तरीके से। तो अच्छा उस्मान मियाँ की भी एक अच्छी आदत थी, खाना खाते थे वो कहीं भी तुम्हारे घर आ जाए। एक तो ये था कि उनकी कोई फरमाइश नहीं होती थी कि खाना क्या होना, तुमने दाल रख दी उन्होंने दाल खा ली, तुमने सालन रख दिया उन्होंने सालन खा लिया, अच्छा ठंडा रख दिया ठंडा खा लिया, गर्म रख दिया गर्म खा लिया, नमक नहीं है नमक वो बगैर नमक का खा लिया, नमक वाला है तो नमक वाला खा लिया। कभी कोई ये नहीं कहते थे कि इसमें क्या है, कभी भी। तुमने चाय अगर फीकी दे दी फीकी पी ली, मीठी दे दी मीठी पी ली, तेज मीठी दे दी तेज मीठी पी ली। हाँ उनको शुगर हुई हुई थी और लोग मीठी चाय ला के दे देते थे उनको, वो पी लेते थे। कभी वही नहीं कहते थे मुझे शुगर है मैं मीठा नहीं खाऊंगा, तुमने मिठाई ला के दे दी उन्होंने मिठाई खा ली, क्या हुआ? अरे मैंने कहा मियाँ शुगर है ये। अरे कहने मौत का दिन तो मुकर्रर कर दिया। कहने मैंने कहा हाँ, तो कहने फिर मैं खुदा के डर से गुनाह तो छोड़ता नहीं, शुगर के डर से मीठा छोड़ूंगा। मैंने कहा सही है भाई खाते रहो। कभी वो भी किसी चीज़ से परहेज नहीं करते थे। अच्छा तुम जाओ उनके घर पे, मियाँ मेरे घर चलना है, चलो। करीब वाले साइकिल बढ़ा के ले जाते थे पीछे छोटे। अरे मियाँ आप साइकिल पे बैठ गए कहीं गिरा गिर दे आपको? अरे कह लेंगे हम वैसे भी तो गिर सकते हैं ठोकर खा के, इसके पास पैसे नहीं होंगे बेचारे के पास, चले गए। तुम आए तुमने कहा मियाँ नई किला से चलना है, चलो वहाँ से वैगन में बैठे हो रहा तुम्हारे साथ, तुमने टैक्सी करा दी टैक्सी में चले गए, बस में बिठा लिया बस में चले गए। कभी ये बात नहीं कि कहाँ ले जा रहे हो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कोई क्या हुआ? मैंने कहा मियाँ आप सबके साथ चले जाते हो ये। अरे कहने के भैया बुजुर्गों की नियाज है ना हमारे,
बुजुर्ग कहेंगे मैं इतना बड़ा हो गया कि उनकी नियाज में नहीं जाता। चले जाते थे कभी उन्होंने कोई नहीं करी। तुझसे नहीं देखो बात यह है कि हजरत जिब्राइल कभी अपनी मर्जी से तो नहीं आते, रब की तरफ से आते ना। लेकिन एक बात होती है बिला वास्ता और एक बात होती है बिल वास्ता। ये मार्फत का कमाल है कि जब आदमी इस बात का वो कर ले, सोच ले, देख ले, इसकी मार्फत कर ले कि ये मामला मेरे साथ बिला वास्ता क्यों किया जा रहा है और बिल वास्ता क्यों किया जा रहा है। तस्लीम रजा क्या है? मकाम तस्लीम रजा जो है ना ये बिल वास्ता है, बिला वास्ता नहीं है। वो बिला वास्ता है, बिल वास्ता नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो ये मकाम अता हुआ था वो तस्लीम और रजा की वजह से अता हुआ था। आई ना समझ बात। फुकुर जो है वो तीन ही चीजें सिखाता है, फनाए महबूब होना, अपनी जात को बीच में से निकाल देना और उस पर कनात कर लेना, यानी कि तस्लीम पैदा कर लेना अपने आप में उसी के साथ और उसी पर भरोसा करना, यानी उसी की रजा में लग जाना। बस फुकुर ये तीन बातें सिखाता है, फकीर के पास चौथी बात नहीं होगी कि फना महबूब कि उसका जिक्र फिक्र सब उसी के लिए होगा, कनात उसी पे करेगा, भरोसा उसी पे करेगा। बस हम रास्ता कैसे निकालेंगे? देखो ये मरातिब की तरतीब है। एक आलिम से आप ये बात कहो वो कहेगा नहीं शरीयत तो अजबाब को मानती है, शरीयत तो ये कहती है, शरीयत ये कहती है, शरीयत ये कहती है, यहाँ तक कि जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात को बीच में लाके कहते हैं कि भाई कुछ लोग आए उन्होंने कहा कि हम रात भर जागना चाहते हैं, हम दिन भर रोज़ा रखना चाहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम मुझसे आगे बढ़ना चाहते हो, है ना। तीसरी बात, मैं तुमसे ज़्यादा इबादत करने वाला हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा रोज़े रखने वाला हूँ और मैंने मेरे घर में ज़ौजाएँ भी हैं। वो रोकना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल मार्फत था, इसलिए कि आपकी ज़ात मुबारका और आपका तरीक आम आदमी को सहूलत देना था। और अगर आप उस वक्त उनको मना ना फरमाते और आप फरमाते कि हाँ अच्छा काम कर रहे हो तो आपका हुक्म ला जाता उस पर और लोग अपने बीवी बच्चे छोड़ के सदात में लग जाते, उस रियाजत में लग जाते, एक खलल वाके हो जाता क्योंकि वो आम लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, और खवास को आपने मना नहीं करा, कोई भी जात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी इबादत से किसी बात से आगे नहीं बढ़ सकती। वजह है, उसकी वजह यह है कि आपकी अतात में है वो, तब वो इबादत है। जब आपकी अतात में नहीं है तो इबादत नहीं है, चाहे कुछ भी करता रहे।
तो इबादत तो आपकी अताअत है। अब बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला को जो चीज मकबूल है वो चीज आपकी अताअत के अंदर है। आगे ना समझ में बात। अब कसरत इबादत से मुराद क्या है? कसरत इबादत से मुराद हर वक्त अपने रब का ख्याल लेना। हम बहुत सारे तफरकों में घिर जाते हैं जिससे हम गाफिल हो जाते हैं। उस गफलत को दूर करने के लिए एक प्रैक्टिस है। जब वो प्रैक्टिस मुकम्मल हो जाए हमारी और कामिल हो जाए उस प्रैक्टिस में, तो फिर हमें खल्क नुकसान नहीं देगी। फिर अगर हम लोगों के बीच में भी हैं, बीवी बच्चों में भी हैं, काम में भी हैं, तो हमारा सिर्फ जिस्म वर्क में होगा, हमारा दिल उस वर्क में नहीं होगा। फिर वही बात होती है कि दस्त बकारे दिल बजारे, तो वो प्रैक्टिस में लाना होता है पहले। लेकिन अगर एक आदमी प्रैक्टिस में नहीं है और वो इनमें रहकर प्रैक्टिस में आना चाहेगा तो कभी नहीं आ सकेगा। उसके लिए कि वो प्रैक्टिस होता हावी रहेगी जो आम तौर पे करता रहा है। अब वो आम तौर पे प्रैक्टिस क्या है? दुनियादारी। अब वो दुनियादारी उसमें से नहीं निकल पाएगी, उसको भरोसा तवक्कुल ये सब बातें उसमें कभी पैदा नहीं हो पाएंगी फिर। लेकिन उसको ये सब कुछ पैदा करने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपने फराइज पूरे कर रहा है, जो इबादत है फराइज की, और वो हकूकुल इबाद अपने पूरे कर रहा है, तो वो काफ़ी है उसके लिए। लेकिन वो लोग जो एक ख़ास तरीके पे अमल करना चाहते हैं, उनके लिए फिर वो एक शरायत में से बात आ जाती है। एक बीमार होता है, जब वो अपनी बीमारी दूर करना चाहता है तो उसको परहेज की भी ज़रूरत होती है और दवा की भी। अगर वो दवा खाए और परहेज करे तो जल्दी शिफा याब हो जाता है, तो और अगर वो दवा खाए मगर परहेज ना करे तो दवा फ़ायदा नहीं करती, और वो दवा ना खाए खाली परहेज करे तो मर्द ख़त्म नहीं होता, मर रुका रहता है। तो कुछ बातों के लिए कुछ चीज़ें लाजिम हो जाती हैं। तो एक आम आदमी जो है जब इस रास्ते में कदम रखता है तो वो बीमार है, उसको हसद का भी मर्ज है, उसको ख्वाहिशात का भी मर्ज है, उसको नफ्स भी उसके साथ लगा हुआ है, ख्वाहिशात उसको है, उसको किसी के माल ज़्यादा आने और किसी के कम आने पर भी कल्क होता है, ज़्यादा आने पर खुशी होती है, ये सब मर्ज उसके साथ हैं। वो तदबीर पे ज़्यादा भरोसा करता है, और जब तदबीर पे ज़्यादा भरोसा करता है तो अपनी तदबीर करने में अच्छाई और बुराई को एक तरफ रख देता है। बाज़ औक़ात उसमें ख्याल नहीं करता कि ये सही तरफ जा रही है या गलत तरफ जा रही है, लेकिन उसका मकसद हासिल हो रहा है, उसमें लगा हुआ होता है वो। ये सब बीमारियां हैं उसको। फिर अब इन बीमारियों को दूर करने के लिए उसको परहेज की ज़रूरत है। तो परहेज ये है कि उसको पहले उसको दुनिया से अलग कर लो, क्योंकि सारी जड़ें दुनिया में है ना, ये तो उसको उससे अलग करो पहले। अब चूंकि उसका ध्यान, उसका दिल दिमाग सब अपने नफ्स में और अपनी ख्वाहिशात में लगा हुआ है, तो उससे उसको अलग करो। फिर वो मोहब्बत करता है दुनिया से, बीवी बच्चों से, सबसे। अब रब की मोहब्बत तो नहीं आ सकती फिर उसमें, क्योंकि जब तक वो सबसे उसको ज़्यादा नचाने लगे जब तक तो वो नहीं आ सकता इबादत में। तो अब उसको उस चीज़ों से दूर करो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र पे लगाओ, कि जिसका ज़्यादा जिक्र करेगा, जिसका ज़्यादा नाम लेगा, वो उसके कल्ब और दिमाग में बस जाएगा। और जब बंदा जिक्र करता है रब का, और जब उस जिक्र में उसको रब के सिवा उसके दिल में कुछ ना हो और दिमाग में और उसके ख्वाहिश में, जब तक वो उसका फैज नहीं पाता। इसीलिए कहते हैं जिक्र बेफिक्र कुत्ते की भौंक। ये फिक्र है। तो जब ये खास आदमी फिर वो जब इस पर अमल करता है तो वो फिर खास की तरफ चलता है। देखो, तर्क से ताल्लुक पैदा होता है,
दो बातों में बुजुर्ग ने समझाया कि तर्क से ताल्लुक है। कमाल बात है ये। और तर्क का पहले जो हुरूफ है वो ता है और इसके चार मरातिब हैं, लेकिन हर मरतबा एक मरतबे के बाद जाहिर होता है। और उसका पहला मरतबा जो है वो तौबा है। अब तौबा आम की अलग है, खास की अलग है। आम की तौबा खास के गुनाह की तरह है। अब उसका पहला मर्तबा है तौबा। अब सबकी अलग अलग। आम आदमी अलग तौबा करता है, वो उसी के लिए है। देखो ये भी बात है, जैसे कि बच्चा होता है उसके लिए, नौ मौलूद बच्चा जो है उसके लिए क्या ज़रूरी है? दूध। अगर उसको रोटी खिलाओ वो तो मर जाएगा, क्योंकि वो उसमें काम में नहीं आया अभी को रोटी खाए। अभी उसकी उम्र यही है कि वो दूध पिए, जबकि रोटी हराम नहीं है उसके लिए, लेकिन इस वक्त मज़ीर है, इस वक्त दूध ही ज़रूरत है उसको। ऐसे ही आम आदमी की तौबा है। और ख़ास आदमी का क्या है? वैसे ही है कि जैसे कि एक जवान आदमी है, अब वो अगर सारा गुजारा दूध पे करे, रोटी ना खाए, बीमार पड़ जाएगा। तो उसके लिए दूध गुनाह नहीं है, दूध पीता रहे, लेकिन रोटी खाना बहुत ज़रूरी है उसको। ये ख़ास की बात है। तो खास आम, खास फिर खासुल खास। अब खासुल खास की जो तौबा है और खास की जो तौबा, खवास की तौबा खासुल खास के आगे गुनाह है, उसका अपना मकाम है। वो उसकी तौबा को गुनाह समझता है कि ये गुनाह है जिस पर ये तौबा कर रहा, इस पर तौबा की जरूरत ही नहीं है। वो जिस बात को तौबा समझ रहा है। तो बात यह है कि हर चीज़ के लिए, हर आदमी के लिए हर एक चीज़ है। अब जो खासों में आना चाहता है कि फिर वो वैसे ही कदम उठाता है। एक आदमी मैट्रिक तक करता है, अब मैट्रिक के बाद अगर वो आगे पढ़ना चाहता है तो फिर वो अपने लिए सब्जेक्ट मुकर्रर करता है ना कि भाई मुझे कॉमर्स करनी है, मुझे आर्ट्स करना है, मुझे साइंस करनी है। अब साइंस में चला गया, अब साइंस कौन सी साइंस करनी है ना ये बात कि कंप्यूटर साइंस में जाना है, फिजिक्स साइंस में जाना है, कौन सी साइंस में जाना है, इंजीनियरिंग साइंस में जाना है, टेक्निकल साइंस में जाना है, क्या करना है। फिर वो अपने रास्ते मुकर्रर करता है और वो जैसे रास्ते मुकर्रर करता जाता है उसकी फिर उसी कवायद और जवाबित पर चलता जाता है। अब एक आदमी साइंस फिजिक करना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है। अब एक आदमी जो है वो आर्ट्स करके वो वकील बनना चाहता है, वकालत पढ़ रहा है। अब वो वकील वकालत पढ़ रहा है, उसका कोर्स कर रहा है, वो साइंस का कोर्स कर रहा है, वकील कह रहा है तू ये क्या पढ़ रहा है पता नहीं, ये तो वो कोर्स नहीं है जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये तो उसने तो उसको हराम करार दे देना, और तुम उसके कोर्स को हराम करार दे दोगे, कहने तू तो ये अलग पढ़ रहा है, कुछ और पढ़ रहा है, मैं तो अलग पढ़ रहा हूँ, कुछ और है मेरा तो। तो अब दोनों के पेशे अलग हैं ना, वो अपनी डिग्री लेके वकालत करेगा, वो डॉक्टर किसी को मरीज को नहीं देखेगा बैठ के वहाँ पर अदालत में, और जो डॉक्टर हो बन जाएगा वो किसी का केस नहीं लगा जाएगा अदालत में। तो सब्जेक्ट हैं। तो ये भी एक इस्लाम के इल्मुल अध्ययन का एक सब्जेक्ट है। इल्मुल अध्ययन सबसे बड़ा इल्म है, उसके बाद इल्मुल अब्दान है, और उसके बाद इल्मुल अर्जियान यानी कि असरी उलूम। तो सबसे बड़ा जो इल्म कहलाता है, जो फर्स्ट नंबर है, जो वन नंबर है, वो है इल्मुल अध्ययन।
اب علم الادھیان کے شعبے ہیں. اب علم الادھیان میں کوئی دین کی تاریخ صرف پڑھتا ہے؟ وہ تمام ادھیانوں کی تاریخیں پڑھتا رہتا ہے کہ کس دین میں کیا ہے، وہ اس کو اکٹھا کرتا ہے، پھر تقابل کرتا ہے دینوں کے، پھر اصل دین کو نکھار کے دنیا کو دکھاتا ہے کہ اصل دین یہ ہے، دیکھو یہ سب سے بہترین دین ہے. اسی طریقے سے دین میں فقہ ہے، اسی طریقے سے دین کا ایک شعبہ حدیث ہے، اسی ایک دین کا شعبہ قرات ہے، ایک تعلیم قرآن ہے، اس میں تجوید ہے، قرات ہے، حفظ ہے، کتنے شعبے ہیں. حدیث کا اکٹھا کرنا ہے، محدث ہے، فقہ ہے، علامہ ہے، تو یہ دین کے شعبے ہیں. یہ اب یہ تمام کے تمام شعبے جو ہیں وہ ظاہری ہیں، اب جس طرح دین کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. شریعت دین کا ظاہر ہے اور معرفت دین کا باطن ہے، طریقت دین کی باطن ہے، اور طریقت کا حصول معرفت کہلاتا ہے پھر، اور جب معرفت ہوتی ہے تو پھر حقیقت میں چلا جاتا ہے. ترتیب وار ہے نا. اب علم الافعال شریعت ہے، کہ فعل صادر ہونا ہے، اب ان فعل پر اس کو پابندی کرنی ہے، کس فعل کو ترک کرنا ہے اور کس فعل کو عمل کرنا ہے، یہ فقہ سکھاتا ہے نا، یہ علم الادھیان کا ظاہر ہے. اب اسی طرح طریقت علم الادھیان کی باطن ہے، اور معرفت طریقت کا باطن ہے، اور حقیقت معرفت کا باطن ہے، اور وحدانیت حقیقت کا باطن ہے. تو جب تک ہم کسی ایک کے باطن کو نہیں، کسی ایک کے ظاہر کو نہیں جانتے، دوسرے کے ظاہر کو اس کے باطن کو نہیں جانیں گے، کیونکہ شریعت کا باطن طریقت ہوئی. تو پہلے ہم ظاہر کو جانیں گے، پھر ہم باطن کو جانیں گے. اب دنیا کو معلوم ہے کہ دودھ سے گھی نکلتا ہے، مگر دودھ میں پوشیدہ اندر موجود ہے گھی، ہے دودھ میں ہی نا گھی، ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن جو بھی اس کو اٹھا کے پیے گا وہ کیا کہے گا، میں کیا پی رہا ہوں، دودھ پی رہا ہوں، کوئی نہیں کہے گا میں اس میں گھی پی رہا ہوں، مکھن پی رہا ہوں، کیونکہ وہ ظاہر وہی ہے. لیکن اسی میں ہی سب کچھ ہے، اگر اس کو گھی کی ضرورت ہے تو اسی سے نکالے گا، اگر مکھن کی ضرورت ہے تو اسی سے نکالے گا، اور دہی کی ضرورت ہے تو اسی سے بنائے گا. تو گویا شریعت مانند دودھ کے ہے، اسی میں سب کچھ موجود ہے. اب جس کو جو ضرورت ہوگی وہ اسی میں سے نکالے گا. تو تمام علوم ادھیان جو ہیں وہ شریعت سے ہی نکلتے ہیں، آئی نا سمجھ میں بات. اب شریعت کی اپنے قواعد اور ضوابط ہیں، جیسے دودھ کا اپنا قاعدہ ہے، لیکن دہی کا اپنا قاعدہ ہے ایک الگ. جب دہی میں دودھ کنورٹ ہو جاتا ہے، اس سے تم چائے نہیں بنا سکتے، اور اگر دودھ سے چائے، دہی سے چائے بنانے بیٹھ جاؤں تو جب کہیں گے پاگل ہی تو ہے نا. یہ بات تو اب یہ اس کی ایک شکل ہے کہ اب اس سے چائے نہیں بن سکتی. اب یہ پینے کا استعمال کا نہیں رہا، کھانے کا استعمال کا ہو گیا. اب پینا ہے تو پانی ڈالو اس میں، ایکسٹرا چیز ڈالو الگ سے، تب یہ پی جائے گی، نہیں تو اب یہ کھانے کا مطلب کی ہو گئی. اور جب اس سے ہم نے مکھن نکالا اگر،
अब वो खाने के मतलब की भी नहीं रही, फिर दूसरी हालत में चली गई। अब मक्खन की अगर हमें जरूरत नहीं है, हमें घी चाहिए, तो फिर हमने उसको आग पे रख के घी कर दिया। अब तीनों चीजें खत्म हो गई उसमें से, दूध भी गया, दही भी गई, मक्खन भी गया। अब खाली क्या रह गया? घी। ये उसकी हकीकत थी। अब घी से कुछ नहीं निकलता, ये उसकी हकीकत है। बस अब यहां पहुंच गए थे, यही हाल इल्मुल अध्यान का है। आगे सुनिए बस। अब लेकिन बात यह है कि कोई तुम्हें दही बनाना सिखाए कि भाई इस दूध की दही ऐसे बनेगी, दूध क्या किलो बिकता है? 100 रुपए, और दही है 140 रुपए। उसकी कीमत बढ़ गई ना दही बन के। और अब दही 140 मिल रहा है, और मक्खन क्या किलो मिलेगा? 450 रुपए। कितनी गुना बढ़ गई उसकी कीमत? अब घी मक्खन से तुमने घी बनाया, वो कितने किलो हो गया? उसकी कीमत कितनी हो गई? यही हालत है, कितनी हो जाती है? तो जब तक हम किसी की हकीकत को नहीं जानते, उस वक्त तक नहीं जानते कि जब तक के खुदा की राह में कोई वसीला तलाश कर। क्यों कहा गया? कहते हो ना आपके इया का नाबुदू वैया का नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं। अब वो कहता है कि बंदा मुझसे क्या मदद चाहता है भाई? सब कुछ तो नेमत दे रखी है, तू मदद क्या चाहता है? तेरे हाथ पैर सलामत, तेरी सेहत सलामत, तेरा घर बाहर, तेरे बीवी बच्चे, तेरे माल दौलत, जो दुनिया के लिए तुझे चाहिए सब कुछ तो है। अब तुझे नेमत क्या चाहिए, क्या मदद चाहिए? तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ मेरे लिए नहीं है, ये तो सब उसकी अता थी, उसने मेरे आने से पहले ही पहुंचा दिया था। तो अब इसमें तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो मेरे को मिल गया, बगैर मांगे मिल गया। तो पैदा हुआ तुझे अभी मांगना भी नहीं आता था, तेरी माँ की छाती में दूध आ गया, तो तुझे भूखा तो नहीं छोड़ा। जब तुझे वहां भूखा नहीं छोड़ा, तो फिर आगे कैसे भूखा रखेगा तुझे? बुजुर्ग कहते हैं कि तवक्कुल सीखना है तो परिंदे से सीख। कि वो एक शाख पे बैठा हुआ है, उसको गिरने का डर नहीं है, और वो सो जाता है। कभी गिरते देखा किसी परिंदे को सोते हुए? तो जो रब परिंदे को शाख पे बैठे हुए गिरने नहीं देता, वो एक अशरफुल मखलूक आ तो कैसे किसी के पैर में डालेगा? है ना ये बात? और कभी तुमने किसी परिंदे को रिस्क इकट्ठा करते नहीं देखा होगा, खाता पीता चुपता आके सो जाता है, फिर सुबह निकल जाता है तलाश में उसके। कभी भूख से नहीं मरता परिंदा। बड़ी बात कमाल की उसमें यह है कि परिंदा कितनी परवास करता है कि आसमान छूता है ऐसे कि नजर से ओझल हो जाता है, वो तोड़ते बुलंदी इतनी हो जाती है उसकी क्या, मगर उसकी चोंच हमेशा नीचे रहती है। ये उसकी आजिज़ी है कि वो परवाज में तेरी नजर से ओझल है, लेकिन गर्दन उसकी झुकी हुई है जमीन की तरफ। परिंदा कभी गर्दन उठा के नहीं उड़ता, तो जिसको उड़ना है वो गर्दन झुका के उड़ेगा।
ये क्या पैदा करती है? आजजी बात। तो दो बातें हैं परिंदे में कि वो भरोसा करता है पूरा और उड़ने के बावजूद आजजी से रहता है गर्दन झुका के। अब इंसान में ये दोनों बातें नहीं है, इसके लिए हम क्या आमाल करें, क्या अस्कार करें? जो लोग, ये आम आदमियों के लिए बात नहीं है, क्योंकि आम आदमी के लिए तो बेहतरीन बात यह है कि वो जायज शरई तौर पर जो जायज है तदबीर वो करे, उसके बगैर ना रहे, और फिर तदबीर करने के बाद दुआ करे अल्लाह से कि अपने हक का काम कर लिया मैंने, अब तू मेरी मदद कर। तो इया का नाबुदु भैया का नस्तईन के हम तेरी मदद चाहते हैं, तो क्या मदद चाहते हैं कि अहदी नसरात मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दो। ठीक है, अब सीधा रास्ता दिखा दे तो सीधा रास्ता किसका देखना चाहता है तू? क्योंकि अपने तेज तो सब हिदायत पर ही, तो वो कहता है कि सरात लजीना, वो वाला रास्ता अनंत अलहिम, जिन पर तूने इनाम किया। तो अब जिन पर तूने इनाम किया वो रास्ता दिखा, तो इसका मतलब है कि उस वो रास्ता देखना है तो इनामी याफ्ता की पैरवी कर, उसके रास्ते पर आ जा। फिर यही बात है, वो इनाम उसके लिए हादी है, उसका इनाम हादी है, तो मांग तो वही रहा है कि इनामी आफ्ता दिखा दे, वो रास्ता दिखा दे, इनामी आफ्ता का रास्ता दिखा दे। जब इनामी आफ्ताओं का रास्ता दिखा दे तो वो कौन है? वो अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक हैं। वो कौन हैं जो उनके पैरोकार हैं, जिन्होंने उनकी अताअत करी पूरी पूरी? ये वारिसीन अंबिया हैं, वो इनामी याफ्ता हैं। अब उनके रास्ते पे चलने के लिए उनकी अताअत ज़रूरी है। कि रास्ता पकड़ इनामी याफ्ता का। अब जो इनामी याफ्ता हुज्जत है वो रसूल ने, वो इनाम की हुज्जत है, और जो उनके रास्ते पर चलने वाले हैं उनसे रास्ता हासिल कर, उनकी अताअत कर। क्यों? कि उनकी अताअत, उनका रास्ता वही रास्ता है जो रसूल का रास्ता था, जो रसूल हिदायत कर गए, जो रसूलों को अल्लाह की तरफ से मिला। इसलिए कि इनाम याफ्ता वो लोग हैं जिनको उसने कहा कि इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप अंबिया में से हैं, आप भेजे हुए हैं, अला सिरातो मुस्तकीम, कि आप ही सीधे रास्ते पर हैं। तो जब उसने सनद दे दी कि आप ही सीधे रास्ते पर हैं, तो इसका मतलब है अंबिया ही का रास्ता सीधा है और उनकी अताअत से ही हमें सीधा रास्ता मिल सकता है। तो अब वो हमारे अगर दौर में नहीं है तो उनके वारिसीन हमारे दौर में, उनके नायबीन जो उन्होंने अपने उलमाए हक हैं, अब वो विलायत की शक्ल में हमारे सामने हैं। क्यों? कि विलायत नबूवत का बातिन है, और नबी का विरसा जो है वो जायदाद माल दौलत नहीं होती, नबी का हिस्सा जो है वो उसके बातिन का इल्म होता है और उसकी जाहिरी शरीयत होती है, और इसके दो हिस्से हैं, बेटी का हिस्सा कितना है, बेटे का कितना, औरत का कितना होता है, मर्द का कितना होता है हिस्सा विरासत में,
بیٹے کا ڈبل. تو وہ لوگ جو دنیا کو چاہتے ہیں اور اطاعت بھی چاہتے ہیں تو وہ مونس میں سے ہیں, ان کا اتنا حصہ ہے. لیکن جو طالب المولا ہیں وہ مرد ہیں, ان کو ڈبل حصہ چاہیے, کہ ایک ظاہر کا ایک باطن کا. ایک وہ حصہ جو آپ کا ظاہری حصہ راستہ ہے, اور وہ ایک حصہ جو آپ کے سینے میں اترا ہوا ہے, اس کا ڈبل حصہ ہو جاتا ہے. تو بزرگ کیا کہتے ہیں کہ طالب الدنیا المونس, کہ طالب الدنیا جو ہے وہ مونس ہے, اور طالب العقبہ مخنس, اور طالب المولا مرد رجل ہے. وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی سے تم نفرت نہیں کر سکتے. عورت سے نفرت کرتے ہو؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کو بھی ایک حصہ ملا ہوا ہے نا. اور مخنث کو بھی تم نفرت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ ایک حصے پہ ہے, اس نے دنیا چھوڑ کر آخرت کمائی ہے نا, تو اس نے دنیا آخرت کے لیے چھوڑی تھی, اس کو آخرت مل گئی, اس کا قانون ہے, تم اسے جو مانگے گا ملے گا. اور جس نے دنیا اور آخرت دونوں ترک کری خالی اس کے لیے کہ مجھے یہ چاہیے, نہ مجھے دنیا چاہیے نہ مجھے آخرت چاہیے, مجھے تو چاہیے بس, وہ مرد ہوا. کیوں مرد ہوا؟ کہ وہ اپنے دوسرے حصے پر بھی ہے, یعنی کہ اس کا دوسرا حصہ ہے عشق. پہلا حصہ جو ہے وہ اطاعت ہے, اور دوسرا حصہ عشق ہے. اطاعت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پابندی شریعت, اللہ کی عبادت کرنا, اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا, شریعت کی پیروی کرنا, اس کو کسی حال نہ چھوڑنا, یہ بات ہے. یہ آتی ہی قائم ہے اطاعت میں, چونکہ اس کا جو نظریہ ہے وہ عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ میں عابد بن جاؤں گا, اور اطاعت اس لیے کر رہا ہے کہ میں متقی ہو جاؤں گا. تو اس کو دونوں حالتیں میسر آ جاتی ہیں, کہ وہ عابد بھی ہو جاتا ہے, وہ متقی بھی ہو جاتا ہے, تو صاحب اطاعت ہو جاتا ہے. اور صاحب اطاعت جو ہوتا ہے یہ نجات پاتا ہے. وہ راستہ کون سا اختیار کیا ہوا ہے؟ نجات کا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہرتاً جو راستہ دیا وہ نجات کا راستہ ہے, کیونکہ یہ آسان راستہ ہے. ان کا دل پر نہیں نام اور ان کے تابع تھا, اور ہماری دنیا ان کے ساتھ رکھ, اور ہمیں آخرت ہم کے ساتھ ربنا صلی اللہ تعالیٰ آئینہ مثال جان تیری سر بسر جمال دل تیرا آئینہ مثال تجھ کو تیرے ادو نے بھی دیکھا تو ہو گیا تیرا, تجھ کو تیرے عدو نے بھی دیکھا تو ہو
गया तेरा दिल में उतरते हर्फ से ए मेरे शाह शर नान जमी तेरी ऐ मेरे शाह है शर्म